Welcome back friends in your channel Mining Support. Here I am discussing about Opencast Mine and Machineries. So stay connected with Mining Support. Here height and width of benches. कोई बेंच का हाइट और विड्थ पर क्या क्या नियम है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. ठीक है, बोल रहा है बेंच हाइट शैल नॉट एक्सीड द बूम हाइट ऑफ ए शोवेल. ठीक है, बेंच हाइट जो अपन कास्ट माइंस हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है, ओबी के लिए, या तो कोल को हम लोग काटते हैं तो उसमें बेंच बना के हम लोग कोल को काटते हैं. ठीक है, कोल कटानी करते हैं तो बोल रहा है क्या, द बेंच हाइट शैल नॉट एक्सीड द बूम हाइट ऑफ ए शोवेल. तो जब कोल काटते के क्रम में बेंच हाइट जो हम लोग बूम हाइट शोवेल के उतना ही ऊंचा रखेंगे. ठीक है, इफ एक्सकेवेटर इज यूज फॉर लोडिंग और एक्सकेवेटिंग बिलो इट्स फ्लोर लेवल बेंच हाइट शैल नॉट एक्सीड रीच ऑफ द मशीन. ठीक है, यदि हमारा एक्सकेवेटर यूज हो रहा है, ठीक है, बेंच पे, तो उस केस में क्या होगा, उसका बेंच हाइट जो है कि शैल नॉट एक्सीड रीच ऑफ द मशीन, मशीन के पहुंच से अधिक ऊंचा नहीं रखा जाएगा बेंच का. ठीक है, ऊंचाई कब, जब एक्सकेवेटर यूज हो उस केस में एक्सकेवेटर के पहुंच से अधिक नहीं रखेगा, या तो हम लोग शोवेल यूज कर रहे हो जिस केस में, तो शोवेल के बूम हाइट से अधिक नहीं रखा जाएगा. ठीक है, ये हमारा हाइट के केस में था. ठीक है, लेकिन विड्थ ऑफ द बेंच में क्या होगा कंडीशन, तो बोल रहा हाइट ऑफ द बेंच, हाइट ऑफ द बेंच से कम नहीं होगा विड्थ ऑफ द बेंच. ठीक है, मतलब चौड़ाई बेंच का हाइट से कम नहीं होगा. दूसरा कंडीशन क्या, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर. तो बेंच का जो हमारा ये चौड़ाई कितना होगा, पहला कंडीशन की हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट बी एक्स शैल नॉट बी लेस देन विड्थ ऑफ एनी विड्थ ऑफ द बेंच. ठीक है, मैंने चौड़ाई जो हमारा बेंच का हाइट से कम नहीं होगा. दूसरा कंडीशन, चौड़ाई जो है कि वाइडेस्ट मशीन जो उसमें लगा हुआ है उस बेंच पे उससे 2 मीटर अधिक होगा. ठीक है, और तीसरा कंडीशन की 3 times द विड्थ ऑफ द डम्पर, 3 times द विड्थ ऑफ द डम्पर इफ डम्पर्स आर यूज, यदि डम्पर यूज हो रहा हो तो उसके चौड़ाई के 3 गुने से कम नहीं रखा जाएगा क्या, विड्थ ऑफ द बेंच. ठीक है, बेंच की चौड़ाई, ठीक ना, पूरा एज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ क्वेरी, एज ए फाइनल ऑपरेशन ऑफ क्वेरी, ओपन कास्ट माइंस में बोल रहा है कि फाइनल ऑपरेशन जब कैरी करेगा तो बोल रहा है क्या, द विड्थ में बी रिड्यूस्ड टू नॉट लेस देन 3 मीटर. तो चौड़ाई जो है कि घटेगा लेकिन कितना से, 3 मीटर से कम नहीं घटाया जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता था. ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि क्वेरिंग ऑपरेशन शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स. ठीक है, क्वेरिंग ऑपरेशन जो हम लोग कंडक्ट करेंगे वो हमारा कहाँ से होगा ना, टॉप टू डाउनवर्ड्स. ठीक है, पूरा वैन रीजंस आर इम्प्लॉयड विद इन 5 मीटर ऑफ द क्वेरी फेस वैन पर्सन्स आर इम्प्लॉयड. यदि पर्सन्स इम्प्लॉय किया जाता हो क्वेरी फेस में वो रहा है विद इन 5 मीटर, देन एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू इंश्योर देयर सेफ्टी बाई ड्रेसिंग द साइड्स ऑफ बेंचेस. ठीक है, तो यदि 5 मीटर के अंदर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो उस बेंच में, तो हम लोग 5 मीटर में कुछ एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेंगे ताकि उस पर कोई हमारा बेंच टूट कर नहीं गिर जाए. ठीक है, या तो उस पर ड्रेसिंग किया जाएगा. ठीक है, बोला स्पेशल केयर शैल बी टेकन वेन एनी स्लिप और अदर प्लेन्स ऑफ वीकनेस और अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट. जब भी कई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एग्जिस्ट करता हो तो उस केस में स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जाएगा. ठीक है, इन हार्ड स्ट्राटा साइड शैल बी कैप्ट एडिक्वेटली बेंच्ड. और यदि हार्ड स्ट्राटा हो तो उसके साइड को भी हम लोग एडिक्वेटली मैंने पर्याप्त मात्रा में बेंच बना के रखेंगे और स्लोप्ड टू प्रेजेंट और स्लोप्ड और स्लोप बना के रखे जाएगा इस तरह का कि टू प्रिवेंट डेंजर ऑफ साइड फॉल. ठीक है, और इस तरह का स्लोपिंग उसको दिया जाएगा कि उसके साइड गिरे, साइड फॉल होने से बचे. ठीक है, बेंच फॉल होने से बचे. ठीक है, नो पर्सन शैल बी इंडेंजर्ड और इंगेज्ड और वर्क और अलाउड टू ट्रेवल क्लोज टू हाई साइड्स बेंचेस. है ना, कोई व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा कितने मीटर तक बेंच में वर्क करने का, फ्रॉम विच ही मे फॉल फ्रॉम 1.8 मीटर वर्टिकली डाउनवर्ड्स. कोई बेंच में व्यक्ति को उस समय अलाउ नहीं किया जाएगा जहाँ पे व्यक्ति बिना सेफ्टी का, जहाँ से वो 1.8 मीटर से अधिक ऊपर से गिरने का संभावना हो, अनलेस ही इज प्रोवाइडेड विथ एंड यूजेज और सेफ्टी बेल्ट और रॉप. जब तक कि वो सेफ्टी बेल्ट या तो रॉप यूज नहीं किया करेगा उससे पहले, तब तक उसको कोई भी व्यक्ति को 1.8 मीटर से अधिक ऊंचाई बेंच पे
काम करने के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा, ठीक है। बोल रहा है क्या, हॉल रोड क्या है, टाइप ऑफ हॉल रोड हैज़ ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन ऑपरेशन ऑफ द माइन, ठीक है। हॉल रोड का काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है किस पे, ना ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है। इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। हॉल रोड पे चूंकि HEMM वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो और काफ़ी एक मैंने आने जाने का सबसे बड़ा रास्ता है। हॉल रोड यदि हमारा ख़राब होगा तो बहुत सारा नुकसान भी सामने आ सकता है, ठीक है। तो हॉल रोड को हम लोग ओपन कास्ट माइंस में हम लाइफ लाइन मानते हैं ओपन कास्ट माइंस का, ठीक है। तो इस पर क्या क्या नुकसान होगा या बेनिफिट्स होगा उस पर हम लोग देखते हैं ना। बोल रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ ए गुड हॉल रोड, अच्छा हॉल रोड होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। पूरा हाई प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डंपर स्पीड, ठीक है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा हॉल रोड यदि मेंटेन्ड है तो उसके इसमें डंपर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा, और स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बेटर सेफ्टी मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन इन मेंटेनेंस एंड लेस मशीन ब्रेक डाउन, मशीन का ब्रेक डाउन काफ़ी कम होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हॉल रोड में ज़्यादा अनलेवल्ड ग्राउंड यदि नहीं है तो उस केस में हमारा डंपर काफ़ी आसानी से स्मूथली वर्किंग करेगा, जिसके कारण ब्रेक डाउन कम होगा। सेविंग इन डीजल टायर स्पार्स, है ना, डीजल हो या टायर हो या तो उसके पार्ट्स हो तो उसको काफ़ी लॉन्ग लाइफ दिया जा सकता है यदि हॉल रोड को अच्छे से मेंटेन किया जाए तो उस केस में, ठीक है। तो बेनिफिट इसका हॉल रोड पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेसर ऑपरेशन फैटिक, हाई मोरेल, ठीक है। ऑपरेशन फैटिक काफ़ी कम होगा, जैसे कि कोई भी जो ऑपरेटर वर्क कर रहा है या जो डोजर या डंपर को चला रहा है तो उन लोग को मैंने फैटिक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें स्मूथ यदि वर्किंग होगा तो वर्किंग में उसको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। कोई फैटिक नहीं हो पाएगा तो आगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क को कन्वे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो विड्थ ऑफ द हॉल रोड शुड नॉट बी लेस देन 3 times द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 meter, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि हॉल रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि विड्थ ऑफ द हॉल रोड शुड नॉट बी लेस देन 3 times द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 meter, ठीक है। मतलब लार्जेस्ट डंपर का 3 गुने से 5 meter अधिक होना चाहिए हॉल रोड की चौड़ाई, ठीक है। विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर से 3 गुने से डंपर, यहाँ भी बोला जा रहा है लार्जेस्ट डंपर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर के 3 गुने से 5 meter अधिक होगा विड्थ ऑफ द हॉल रोड, ठीक है। और एज फार एज पॉसिबल हॉल रोड शुड बी स्ट्रेट, जहाँ तक संभव हॉल रोड स्ट्रेट रखा जाएगा। बोल रहा है कॉर्नर्स एंड बेंड्स इफ एनी शुड बी सो डिजाइन दैट ऑपरेटर कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द रोड अहेड फॉर नॉट लेस देन 3 times द डंपर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब कि 3 गुने से यदि, मतलब हो रहा है कि ऑपरेटर कैन हैव ए क्लियर व्यू ऑफ द रोड अहेड फॉर नॉट लेस देन 3 times द डंपर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। डंपर के ब्रेकिंग डिस्टेंस से, मतलब यदि वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो डंपर के ब्रेकिंग डिस्टेंस के 3 गुने से कम दूरी उसको क्लियर विजिबल नहीं हो, ऐसा व्यवस्था नहीं किया जाएगा। मतलब अच्छे से डंपर के ब्रेकिंग स्पीड के 3 गुने, डंपर के ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगा ना तो उसके 3 गुने से कम दूरी पर नहीं रखा जाएगा क्लियर विजन, ठीक है। मतलब व्यक्ति को, ऑपरेटर को पूरा पूरा दिखे, ठीक है, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है ना। जहाँ जिसमें हमारा डंपर का नॉर्मल स्पीड हमारा 40 km/h होगा, ठीक है। बोरा वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल सेपरेट रोड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अप एंड डाउन ट्रैफिक, ठीक है। जहाँ पे ये संभव ना हो तो उस केस में सेपरेट रोड प्रोवाइड किया जाएगा अप एंड डाउन ट्रैफिक के लिए। ईच ऑफ विड्थ नॉट लेस देन 2 times द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 3 meter विथ ए डिवाइडर एंड लाइट्स इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन जहाँ ऐसा संभव ना हो क्लियर विजन होने का तो उस केस में बोल रहा है उसके लिए सेपरेट एक रोड बनाया जाएगा। उस रोड का चौड़ाई कितना होगा, ईच ऑफ विड्थ नॉट लेस देन 2 times द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर, लार्जेस्ट डंपर के चौड़ाई 2 गुनी चौड़ाई से 3 meter अधिक होगी, ठीक है। मतलब उस चौड़ाई जो है कि विड्थ ऑफ द जो सेपरेट रोड जो होगा उसकी चौड़ाई दो क्या होगा ना, ईच ऑफ विड्थ नॉट लेस देन 2 times द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर, यहाँ पे लार्जेस्ट डंपर ही बोला जा रहा है, ठीक है ना। लार्जेस्ट डंपर की 2 गुनी से 3 meter अधिक चौड़ाई से कम नहीं होगी, ठीक है। विथ ए डिवाइडर एंड लाइट्स इन बिटवीन दैम, जहाँ पे डिवाइडर और लाइट व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है क्या, ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड 1:16, हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना से अधिक नहीं बढ़ेगा, तो 1:16 से अधिक ग्रेडियंट नहीं बढ़ेगा हॉल रोड का, ठीक है। ग्रेडियंट्स ऑफ रैम्प्स में बी 1:10, ठीक है। रैम्प्स का ग्रेडियंट, जो रैम्प है मैंने वन बेंच टू अनदर बेंच जाने का जो रास्ता होता है उसको रैम्प कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स ऑफ रैम्प्स में बी 1:10 बट नॉट मोर देन 10 meter एट अ स्ट्रेट स्ट्रेच विथ परमिशन फ्रॉम DGMS, ठीक है। ग्रेडियंट शुड नॉट बी
शुड नॉट एक्सीड, ग्रेडियंट शुड नॉट एक्सीड 1:16, ग्रेडियंट को 1:16 से अधिक एक्सीड नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसका, हॉल लोड का। और ग्रेडियंट्स ऑफ रैम्स मे बी 1:16, 1:10, बट नॉट मोर देन 10 मीटर एट ए स्ट्रेच विथ परमिशन फ्रॉम DGMS, ठीक है। और पोर्शंस ऑफ हॉल रोड्स अबव सराउंडिंग ग्राउंड शुड बी प्रोवाइडेड विद अ स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम डायमेंशंस, ठीक है। हॉल रोड के अबव जो है कि सराउंडिंग ग्राउंड में क्या दिया जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल का कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हॉल रोड के अबव एक सराउंडिंग ग्राउंड पे एक स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल दिया जाएगा, ठीक है। और एम्बैंकमेंट ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम डायमेंशंस, जैसे टॉप विड्थ हमारा 1 मीटर होगा, बॉटम विड्थ 2.5 मीटर होगा, और हाइट जो है कि इक्वल टू द डंपर टायर डाया, ठीक है, डंपर के टायर के डायमीटर के बराबर होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या, हॉल रोड में जो हमारा दिया जाएगा एम्बैंकमेंट, ठीक है, या तो पैरापेट वॉल क्या है ना कि हॉल रोड के अबव जो है कि सराउंडिंग ग्राउंड में एक पैरापेट वॉल दिया जाएगा, या तो एम्बैंकमेंट जिसका मिनिमम डायमेंशंस क्या होगा ना कि टॉप विड्थ जो एम्बैंकमेंट या तो पैरापेट वॉल का 1 मीटर होगा, बॉटम विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, और हाइट जो है कि इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द डंपर टायर, ठीक है डायमीटर ऑफ द डंपर टायर के बराबर होगा, डंपर टायर के डाया के बराबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि वेयर 35 टन और लार्जर डंपर्स आर यूज्ड, जहाँ पे 35 टन या तो लार्जर डंपर यूज हो रहा हो, 35 टन वेयर 35 टन और लार्जर डंपर आर यूज्ड, ए सेपरेट रोड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर लाइट व्हीकल्स ऑफ मेंटेनेंस सुपरवाइजरी पर्सनल इफ इट इज एडजेसेंट टू द हॉल रोड, सुटेबल फेंसिंग शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द टू, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है कि जहाँ पे 35 टन या तो उससे अधिक मैंने कैपेसिटी का डंपर यदि यूज़ हो रहा हो, 35 टन या अधिक कैपेसिटी का डंपर यूज़ हो रहा हो, तो उसके लिए एक सेपरेट रोड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। शुड बी प्रोवाइडेड फॉर लाइट व्हीकल्स ऑफ मेंटेनेंस या सुपरवाइजरी पर्सनल भी एम्प्लॉय किया जाएगा, ठीक है। If it is adjacent to the hall road, suitable fencing should be provided between the two. लेकिन ये adjacent hall road के adjacent रहेगा, ठीक है, hall road है उसके यदि सटा यदि रहेगा तो उस पर suitable fencing दिया जाएगा, ठीक है। Suitable fencing should be provided between the two, ठीक है, दोनों के बीच में एक suitable fencing दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है पॉइंट एट, बोल रहा है sufficient side drains और cross drains should be provided to keep the road beds dry at all the time. Sufficient side drains, मैंने साइड में एक ड्रेन दिया जाएगा, ठीक है, और sufficient side drains and cross drains should be provided to keep the road bed dry. रोड के बेड को मैंने रोड को मैंने सड़क को मैंने सूखा रखने के लिए बोल रहा है क्या, sufficient side drain और cross drains should be provided to keep the road bed dry at all the times including during heavy rains, ठीक है. Road signs should be provided at strategic places. Road signs should be provided at strategic places. It should be sprinkled with water frequently to suppress dust. In large mines, separate machinery and manpower should be allocated for maintenance of the whole road. It should be sprinkled with water frequently to suppress dust. In large mines, separate machinery and manpower should be allotted for maintenance of the haul road. Next point is man open cast excavation technique. यहाँ से एक नया पैरा चेंज होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. The man excavation equipments used in open cast mines are drag line, shovel, payloader, scraper, reaper dozer, surface miner and bucket wheel excavator. The man excavation machine या equipments used in open cast mines are drag line, shovel, payloader, scraper, reaper dozer, surface miner एंड बकेट विल एक्सकेवेटर. तो इसमें पहला फर्स्ट वन इज ड्रैग लाइन. ड्रैग लाइन इज यूज टू एक्सकेवेट सॉयल और सॉफ्ट ब्लास्टेड ओवरबर्डन, ठीक है. ड्रैग लाइन का इस्तेमाल एक्सकेवेटेड सॉयल या तो सॉफ्ट या तो ब्लास्टेड ओबी को हटाने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है. इट इज नॉट यूज फॉर कोल, ये कोल के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है. इट हैज अ बिग बकेट, इसके पास बिग बकेट होता है विच हैंग्स फ्रॉम ए लॉन्ग बूम बाई स्टील रॉप, ठीक है. इट हैज ए बिग बकेट विच हैंग्स फ्रॉम ए लॉन्ग बूम बाई स्टील रॉप्स. द मशीन सिट्स ऑन द बेंच टू बी एक्सकेवेटेड, कट्स द बेंच मटेरियल एंड डम्प्स इट इन टू द डिकोल्ड एरिया. द मशीन सिट्स ऑन द बेंच टू बी एक्सकेवेटेड,
cuts the bench material and dumps it into the decoiled area. ठीक है, it is thus used for excavation and also for dumping, hence no dumpers are required. ठीक है, ये मशीन एक्सकेवेशन के साथ साथ डंपिंग दोनों प्रोसेस को करने के लिए एलिजिबल है, जिसके कारण कोई डंपर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ड्रैग लाइन के केस में. ठीक है, जिस बेंच में ये वर्क करता है उसी बेंच को एक्सकेवेट करने के लिए भी कैपेबल है. ठीक है, ड्रैग लाइन का इमेज सामने है, इट्स अ ड्रैग लाइन. ठीक है, यू मे टेक इमेज स्क्रीनशॉट्स फॉर योर क्वायर्स कंसाइनमेंट. ड्रैग लाइन वर्किंग इन ऑपरेशन, ये ओबी के साथ, ओबी को मतलब एक स्थान से एक्सकेवेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, जिसके कारण डंपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, ड्रैग लाइन के केस में एक्सकेवेशन कैपेसिटी ऑफ ड्रैग लाइन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बकेट. एक्सकेवेशन कैपेसिटी ड्रैग लाइन का साइज ऑफ बकेट पे डिपेंड करता है एंड थिकनेस ऑफ ओबी बेंच डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द बूम. ठीक है, और वो रहा है एक्सकेवेशन कैपेसिटी डिपेंड करता है बकेट पे, साइज बकेट के साइज पर. ठीक है, एंड थिकनेस ऑफ ओवी बेंच. ठीक है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द बूम, और ओवी बेंच का जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ओवी बेंच. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ बूम. ओवी बेंच का कितना थिकनेस काटेगा वो बूम लेंथ पर डिपेंड करता है. किसका ना, ड्रैग लाइन का, बूम लेंथ पर. ठीक है, कितना ओवी बेंच का लेंथ रहेगा वो हमारा एक्सकेवेशन मशीन के ओवी बूम लेंथ पर डिपेंड करता है. ठीक है, अ 96 मीटर बूम ड्रैग लाइन कैन कट अबाउट 40 मीटर ओवी बेंच. ठीक है, मतलब 96 मीटर जो बूम होगा ड्रैग लाइन का, 96 मीटर बूम लेंथ का जो ड्रैग लाइन होगा वो 40 मीटर ओवी बेंच को काट सकता है. इट कैन कट अबाउट 40 मीटर ओवी बेंच. ठीक है, ओवी बेंच को 40 मीटर की हाइट का ओवी बेंच को काट सकता है. ठीक है, इन ए मल्टी सीम वाइन इट सीट्स ओवर द लास्ट ओवी बेंच. ठीक है, ये लास्ट ओवी बेंच पे सीट हो मैंने स्थगित रहता है. इट सीट्स ऑन द लास्ट ओवी बेंच जस्ट अबव द लोवेस्ट कोल सीम के जस्ट अबव. अदर ओवी बेंचेज आर एक्सकेवेटेड बाय सोवेल डंपर कॉम्बिनेशंस. ठीक है, और अदर ओवी बेंच को एक्सकेवेट किया जाता है सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन से. ठीक है, ड्रैग लाइन इज वेरी बिग, हैवी एंड कॉस्टली इक्विपमेंट. ड्रैग लाइन काफ़ी बिग होता है, हैवी होता है और कॉस्टली इक्विपमेंट होता है. इट कांट बी मार्च्ड फ्रॉम वन माइन टू अनदर. ये मार्च करके एक माइन से दूसरे माइन तक पहुँच नहीं सकता है. बट हैंस इट इज डिप्लॉयड इन ए माइन वेयर इट कैन बी यूज फॉर इट्स इंटायर लाइफ अप टू 30 to 40 years. ठीक है, इसलिए इसको वहाँ पे इम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पे ये 30 से 40 साल तक मतलब इंटायर लाइफ में काम करे. और इसका एक और बात बता दें कि 15 साल तक कम से कम माइन प्रॉपर्टी मतलब इसके एम्प्लॉयमेंट के बाद चले. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नुकसान ही होगा. ठीक है, क्योंकि काफ़ी महंगा इक्विपमेंट में आता है. ठीक है, सेम डिप शुड नॉट एक्सीड 1:8. ठीक है, 1:8 से ज़्यादा ग्रेडियंट का सिम डिप नहीं हो. ठीक है, सिम का डिप शुड नॉट एक्सीड 1:8 या तो 7 degree. ठीक है, अदरवाइज द डम्प्ड ओबी में रोल बैक टुवार्ड्स द कोल फेस. ठीक है, मतलब सिम का डिप जो है कि मैंने ग्रेडियंट जो हम लोग बोल सकते हैं 1:8 से अधिक एक्सीड नहीं करेगा. अदरवाइज जो डम्प्ड ओबी होगा ना वो रोल बैक होकर फिर से कोल फेस पे आ जाएगा एंड required rehandling. ठीक है, जिसके कारण rehandling ज़रूरत होता है. ठीक है, सेम शुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्स dikes. जहाँ पे हमारा ड्रैग लाइन यूज़ किया जाता है वहाँ पे फॉल्ट या डाइक का कोई प्रकार का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए या कोई साइन नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सोबेल डंपर. ठीक है, इमेज के साथ एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से किया गया है. ठीक है, यू मे टेक enormous benefit from that. So stay connected with mining support. Sovel can be used for loading coal or OB. Drag line सिर्फ OB का handling कर रहा था मतलब excavation से transporting तक, लेकिन यहाँ Sovel dumper का इस्तेमाल क्या है, Sovel can be used for loading coal or OB. Coal या तो OB दोनों का loading करने के लिए Sovel dumper का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, it can excavate soft material but hard strata या coal has to be blasted. ठीक है,
ये सॉफ्ट स्ट्राटा को ही एक्सकेवेट कर सकता है, लेकिन हार्ड या तो हार्ड स्ट्राटा या तो कोल को ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। इट लोड्स द मटेरियल इन टू डंपर्स विच ट्रांसपोर्ट इट टू ओबी या कोल डंप, ठीक है। मतलब ये लोड करता है मटेरियल को डंपर्स में, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है या तो ओबी या तो कोल को, कहाँ पे ना, डंप में, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक सोवेल हम लोग देखे गए हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक सोवेल होता है, रॉप सोवेल होता है, ठीक है। बहुत सारा सोवेल का 3 टाइप होता है, सब उसको हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। उसको आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक सोवेल्स एंड डंपर्स का कॉम्बिनेशंस है, रॉप सोवेल भी होता है, ज़्यादा यूज़ होता है रॉप सोवेल भी, ठीक है। सोवेल डंपर कॉम्बिनेशंस कैन बी यूज्ड इन एनी माइन कंडीशंस एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ लोडिंग एंड इन ओपन कास्ट माइन, ठीक है। सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन जो है कि जितने भी ओपन कास्ट माइन्स उसमें देखा ही जाता है ऑफनली, और ये काफ़ी वाइडली यूज मैथड है, ठीक है, लोडिंग इन ओपन कास्ट माइन्स, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी ओपन कास्ट माइन वेयर सोवेल डंपर्स आर नॉट यूज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पेलोडर के बारे में आता है, ठीक है। पेलोडर पहले हम इमेज में दिखा दिए हैं, ठीक है। यू मे टेक स्क्रीन शॉट्स अबाउट पेलोडर एंड एक्सप्लेनेशन इज गोइंग थ्रू दैम। पेलोडर डंपर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। पेलोडर इज अ वेल माउंटेड लोडिंग मशीन, पहले हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम फर्दर करेंगे, ठीक है। तो पेलोडर क्या है, व्हील माउंटेड लोडिंग मशीन है, ठीक है। और इसका क्या काम है, सब चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। पेलोडर इज ए व्हील माउंटेड लोडिंग मशीन यूज्ड फॉर लोडिंग ब्लास्टेड कोल इनटू डंपर्स, ठीक है। ब्लास्टेड कोल को डंपर्स में यूज करने के लिए, लोड करने के लिए यूज़ होता है। इट कांट बी यूज्ड फॉर ओबी, ये ओबी के लिए यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट एज रग्ड एज सोवेल, क्योंकि ये सोवेल के जैसा काफ़ी कठोर नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एज रग्ड एज सोवेल, ठीक है। पेलोडर्स आर वेरी कॉमनली यूज फॉर लोडिंग स्मॉल डंपर्स या टिपिंग ट्रक, ठीक है। स्मॉल ट्रक्स या तो स्मॉल डंपर्स या टिपिंग ट्रक, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पेलोडर ओबी के लिए लोडिंग के लिए यूज़ हो सकता है, तो इसमें आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि ये सोवेल की तरह रग्ड नहीं होता है, मतलब कठोर नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें हम लोग कोल को यूज लोडिंग करते हैं, ठीक है। किसमें ना, डंपर्स या तो टिपिंग ट्रक्स में, ठीक है। इसके लिए याद इस्तेमाल होता है पेलोडर या तो डंपर, पेलोडर डंपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर सोवेल कन्वेयर क्या है, फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ओबी और कोल बाय डंपर्स इनटू अ कॉस्टली ऑपरेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि ओबी हो या तो कोल हो, दोनों को डंपर्स में लोड करता है या ठीक है, जो काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओबी और कोल बाय डंपर्स इज कॉस्टली ऑपरेशंस इफ वॉल्यूम एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड क्रॉस टू सर्टेन लिमिट क्रशर कन्वेयर सिस्टम इज यूज्ड। उस केस में क्रशर कन्वेयर सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं, सोवेल कन्वेयर सिस्टम जो है। तो डंपर से ले जाने में काफ़ी काफ़ी पैसे की खपत होती है और उस तरह का आउटपुट नहीं मिल पाता, तो उस केस में हम लोग इसको लेस इकोनॉमिक बनाने के लिए, मैं उसके खर्च को कम करने के लिए और बेनिफिट को ज़्यादा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सोवेल कन्वेयर सिस्टम को इम्प्लॉयड करते हैं, ठीक है। इफ वॉल्यूम एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड क्रॉस अ सर्टेन लिमिट्स क्रशर कन्वेयर सिस्टम इज यूज्ड, तो उस केस में हम लोग क्रशर कन्वेयर सिस्टम को यूज़ करते हैं। कोल एक्सकेवेटेड इज डम्प्ड बाय डंपर, एक्सकेवेटेड कोल को हम लोग डंप करते हैं किस में ना, डंपर्स में, इन टू नियर बाय फीडर ब्रेकर इन अ क्वेरी, ठीक है। ओपन कास्ट माइंस हम लोग कोल को एक्सकेवेटेड किए करते हैं, जो कोल एक्सकेवेटेड इज डम्प्ड बाय डंपर्स इनटू नियर बाय फीडर ब्रेकर इन अ क्वेरी, क्वेरी में फीडर ब्रेकर में उसको डम्प्ड किया जाता है। फ्रॉम फीडर ब्रेकर कोल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द बेल्ट कॉन्वेयर टू द कोल बंकर्स, ठीक है। जहाँ से फीडर ब्रेकर कोल को लेकर के कोल बंकर तक पहुँचाता है, ठीक है। वेयर फ्रॉम फीडर ब्रेकर कोल इज ट्रांसपोर्टेड बाय बेल्ट कॉन्वेयर टू कोल बंकर्स ऑन सरफेस, फीडर ब्रेकर इज शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फीडर ब्रेकर शिफ्ट किया जा सकता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। एंड बेल्ट कॉन्वेयर इज एक्सटेंडेड, और बेल्ट कॉन्वेयर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि कोल जो हमारा टूटता है उसको डंपर लेकर के नियर बाय फीडर ब्रेकर में डाल देता है, ठीक है। फीडर ब्रेकर क्या करता है, कोल को ट्रांसपोर्ट करके बेल्ट कॉन्वेयर से कोल बंकर में डाल देता है जहाँ पे सरफेस में हो, ठीक है। और फीडर ब्रेकर इस तरह से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लस और प्लेस, और बेल्ट कन्वेयर को भी हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। ये फायदा है। अब यहाँ पे ये है सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन, ठीक है। रॉप सोवेल है ये,
बोल रहा है कि इन द माइंस ओबी इज ऑल्सो सिमिलरली डम्प्ड बाय डंपर्स इनटू मोबाइल क्रशर इंस्टॉल्ड इन द क्वारी. क्रश्ड ओबी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द बेल्ट कन्वेयर टू द ओबी डंप वेयर इट इज स्प्रेड बाय स्प्रेडर कन्वेयर इन वन माइंस टू इंडिया. बोथ कोल एंड ओबी आर हैंडल्ड बाय क्रशर कन्वेयर. ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इन वन माइन इन इंडिया बोथ कोल एंड ओबी आर हैंडल्ड बाय क्रशर कन्वेयर कॉम्बिनेशंस. ठीक है, क्रशर कन्वेयर सिस्टम जो है कि एक ऐसा माइंस है जिसमें हम लोग ओबी के साथ साथ कोल को भी हैंडल कर सकते हैं. इन अनदर माइन वेयर द सीम इज स्टीपली डिपिंग कोल इज डम्प्ड बाय शोवेल डायरेक्टली इनटू ए मोबाइल क्रशर एंड क्रश्ड कोल इज कन्वेयर्ड बाय बेल्ट कन्वेयर टू सरफेस बंकर. ठीक है, वो रहा है जहाँ पे ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा हो, वो रहा है कि इन अनदर माइन वेयर द सीम इज स्टीपली डिपिंग, मैंने जहाँ तक ग्रेडियंट सीम का बहुत ज़्यादा हो, कोल इज डम्प्ड बाय शोवेल, तो वहाँ पे शोवेल से हमारा कोल को यदि डंप किया जाता है डायरेक्टली इनटू द मोबाइल क्रशर. ठीक है, मोबाइल क्रशर पे जो क्रश्ड करता है कोल को और कन्वे करता है बेल्ट कन्वेयर से सरफेस बंकर तक. ठीक है, अब स्क्रैपर डोजर जो है कि इस्तेमाल होता है, तो स्क्रैपर डोजर का क्या काम है, बोला कि स्क्रैपर्स आर यूज फॉर एक्सकेवेटिंग ओनली सॉयल. स्क्रैपर का इस्तेमाल हम लोग केवल सॉयल को एक्सकेवेट करने के लिए किया जाता है. फॉर ईजी लोडिंग इट इज़ पुश्ड बाय ए डोजर. इजी लोडिंग के लिए इसको डोजर के द्वारा धकेला जाता है. स्क्रैपर ट्रांसपोर्ट द लोडेड मटेरियल 300 to 400 मीटर डिस्टेंस एंड अनलोड्स इट इनटू ओबी डंप स्प्रेडिंग इट ओवर ए डिस्टेंस. ठीक है, ये 300 से 400 मीटर डिस्टेंस तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लोडेड मटेरियल को एंड अनलोड करता है इसको ओबी डंप में. ठीक है, स्प्रेडिंग इट ओवर द डिस्टेंस, जहाँ पे बहुत लंबी दूरी तक इसको छितराता है. ठीक है, दिस सॉफ्ट सॉइल इज यूज फॉर रिक्लेमेशन, और ये सॉफ्ट सॉइल को रिक्लेमेशन पुनः भराई के लिए यूज़ किया जाता है. स्क्रैपर्स आर प्रैक्टिकली नॉट इन यूज एट प्रेजेंट इन ओपन कास्ट कोल माइंस इन आवर कंट्री. स्क्रैपर जो हम लोग के कंट्री में यूज़ नहीं होता है. ठीक है, बोला रीपर डोजर अब क्या है, तो रीपर डोजर के बारे में पढ़ेंगे. तो बोला रीपर डोजर इज अ डोजर विच हैज़ अ प्लग लाइक अटैचमेंट. ठीक है, जिसका दांत टाइप का अटैचमेंट होता है, जिस तरह से है ना. बोला रीपर डोजर इज अ डोजर विच हैज़ अ प्लग लाइक अटैचमेंट बिहाइंड इट फॉर रीपिंग हार्ड ओबी या कोल. ठीक है, मतलब ओबी या तो कोल दोनों को, मैंने जिस तरह हल जिसे कोड़ता है ना, जमीन को खोदता है, उस तरह से इसमें प्लग लाइक अटैचमेंट होता है जो ओबी या तो कोल दोनों को खोद सकता है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड वेयर मटेरियल इज हार्ड फॉर द स्क्रैपर. ठीक है, स्क्रैपर के लिए जहाँ मटेरियल हार्ड होता है वो रीपर क्या करता है ना, रिपिंग करता है. ठीक है, और वेयर थिक ओबी बैंड इज इन द कोल सीम, जहाँ पे ओबी बैंड काफ़ी मजबूत मोटा है, थिक ओबी बैंड इन द कोल सीम और थिन स्टोन पार्टिंग बिटवीन टू सीम्स इज टू बी सेपरेट एक्सकेवेटेड, जहाँ पे सेपरेटली एक्सकेवेट किया जा सकता है. तो रीपर रिप्स द मटेरियल ओवर एन एरिया विच इज देन पुश्ड असाइड बाय डोजर और फॉर लोडिंग बाय पे लोडर इन टू टीपर्स और डंपर्स. ठीक है, मतलब कहानी इसमें क्या है ना कि रीपर डोजर क्या करता है कि रिपिंग करता है ऐसे मटेरियल को जिसमें मैंने ओवरबर्डन ज़्यादा हो या तो अनवांटेड मटेरियल्स ज़्यादा हो, तो उसको क्या करता है, रिपिंग करके हल्का कर देता है. हल्का करने से उसके बाद होता है क्या, डोजर उसको धकेलते हुए एक जगह जमा करता है जो पेलोडर टीपर्स या डंपर्स पे लोड करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है अनदर प्लेस पर. ठीक है, ये स्क्रैपर का फिगर है, स्क्रैपर आप देख सकते हैं. यू मे टेक स्क्रीन शॉट लाइकवाइज फॉर सिक्योरिंग दिस पिक्चर. नेक्स्ट ईयर डोजर इज यूजफुल फॉर एक्सकेवेटिंग ओबी या कोल. डोजर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सकेवेट करने के लिए या तो ओबी या तो कोल नियर पॉपुलेटेड एरियाज. ठीक है, बट दिस डेज सरफेस माइनर्स आर यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, डोजर का पहले इस्तेमाल होता था ओबी या तो कोल को पॉपुलेटेड एरिया, मैंने जहाँ पे पूरा व्यक्ति जमाव है वहाँ पे ओबी या तो कोल को क्या करता है ना कि एक्सकेवेट करता था, लेकिन अभी जो है सरफेस माइनर का चलन शुरू हो गया है, तो सरफेस माइनर काफ़ी आसानी से इस वर्क को फुलफिल करता है. ठीक है, इसमें रीपर का फिगर है. ठीक है, रीपर भी उसके साथ अटैच करती हैं. रीपर जो एक्सप्लेनेशन में आया था बीच में, तो रीपर क्या है, तो डोजर टिल्ट मॉडल 4-way होता है और पावर एंगल टिल्ट मॉडल 6-way होता है. ठीक है, डोजर एंगल जो है कि यहाँ से आप पिक्चर से देख सकते हैं डोजर एंगल क्या है, डोजर एंगल क्या है, डोजर लिफ्ट क्या है. ठीक है,
डॉजर टिल्ट है, ठीक है, सब चीज़ एक चीज़ें बारीकी से है, सब चीज़ पॉइंटेड किया गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है डॉजर टिल्ट मॉडल फोर वे होता है, स्क्रैपर में रीपर जो लगा हुआ है, रीपर अटैचमेंट है, डॉजर लिफ्ट है, डॉजर टिल्ट है, ठीक है, इसको हम लोग रीपर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सरफेस माइनर, ठीक है। सरफेस माइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट मशीनरी यूज़ होता है ओपन कास्ट में। बोल रहा है क्या, दिस मशीन इज मीट फॉर कोल प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर द ओबी रिमूवल, ठीक है। ये ओबी रिमूवल के लिए यूज़ नहीं होता है सरफेस माइनर, ये ध्यान रहना है, ठीक है। बोला दिस मशीन इज मीट फॉर कोल प्रोडक्शन एंड नॉट फॉर ओबी रिमूवल, ओवरबर्डन के रिमूवल के लिए सरफेस माइनर का इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात ध्यान रहे पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन ही सकता है। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ओपन कास्ट कोल माइंस, ठीक है, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ओपन कास्ट कोल माइन रिसेंटली, इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज कंटिन्यूअस माइनर वर्क्स अंडरग्राउंड, ठीक है। जिस तरह कंटिन्यूअस माइनर वर्किंग करता है, सिमिलरली सरफेस माइनर भी उसी तरह का वर्क फुलफिल करता है, ठीक है। दिस मशीन कट्स द कोल इन अ थिन लेयर 200 to 400 mm, ठीक है, मैंने 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक कोल के कट ले सकता है मशीन सरफेस माइनर, एंड लोड्स इट इन टू द डंपर्स बाय इट बूम कन्वेयर, अल्टरनेटिवली द कोल इज कट कोल इज डम्प्ड बाय द कन्वेयर ऑन द ग्राउंड एंड लेटर लोडेड बाय पे लोडर इन टू टीपर्स या डंपर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ साइडिंग या तो कोल डंप। बोल रहा है कि अल्टरनेटिवली कोल कट को डंप करता है कहाँ पे, ना कन्वेयर पे ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे कन्वेयर लगा होता है उस पर डंप करता है। बोल रहा है कि एंड लेटर लोडेड, एंड लोडेड बाय पे लोडर, ठीक है, और बाद में इसको क्या करता है ना, लोडेड लोड किया जाता है किसको, पे लोडर की हेल्प से, ठीक है। एंड लेटर लोडेड बाय पे लोडर इन टू टीपर्स या डंपर्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू साइडिंग या कोल डंप्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोल कट बाय सरफेस माइनर इज स्मॉल इन साइज अप टू 100 mm, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन की सरफेस माइनर के द्वारा जो कोल का कटिंग होता है उसका साइज कितना होता है ना, अप टू 100 mm होता है, याद रखना है, ठीक है। हैंस नो क्रशिंग इज रिक्वायर्ड, तो कोई क्रशिंग का जरूरत नहीं होता है। सरफेस माइनर इज ऑल्सो यूज फॉर माइनिंग स्टोन बैंड, ठीक है, स्टोन बैंड्स को माइनिंग करने के लिए सरफेस माइनर का इस्तेमाल हो सकता है, ऑफ ए थिक सीम सेपरेटली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। सरफेस माइनर इज ऑल्सो यूज फॉर माइनिंग स्टोन बैंड्स ऑफ ए थिक सीम सेपरेटली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कोल। सरफेस माइनर डज नॉट नीड ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं होता सरफेस माइनर में। हैंस इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर एक्सकेवेटिंग एक्सकेवेशन योर पॉपुलेटेड एरिया स्पेशली वेयर द ओवरबर्डन इज ऑल्सो सॉफ्ट, ठीक है। बोल रहा है कि स्पेशली जहाँ पे ओवरबर्डन सॉफ्ट होता है सरफेस माइनर को डज नॉट नीड ब्लास्टिंग, सरफेस माइनर को ब्लास्टिंग का जरूरत नहीं होता है। इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर एक्सकेवेशन नियर पॉपुलेटेड एरिया, तो हम पहले बता चुके हैं कि पहले डंपर का यूज़ होता था कोल या ओबी को हटाने के लिए, एक्सकेवेट करने के लिए, लेकिन उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट के रूप में सरफेस माइनर अभी प्रचलित हुआ है और काफ़ी अच्छे से यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। वेयर द ओबी इज ऑल्सो सॉफ्ट, जहाँ पे ओबी हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। सरफेस माइनर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन इंडियन कोल माइंस, ठीक है, इंडियन कोल माइन में सरफेस माइनर हमारा पॉपुलर हो रहा है या हो चुका है। तो सरफेस माइनर का पिक्चर जो हम सामने लाए हुए हैं, ठीक है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो है ये सरफेस माइनर, ये बकेट व्हील एक्सकेवेटर है, सरफेस माइनर उसी तरह का है, ठीक है। अब यहाँ से हम बकेट व्हील एक्सकेवेटर के बारे में आते हैं, ठीक है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर ये लास्ट मशीनरी हमको लग रहा है हो सकता है और काफ़ी महंगा है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर मतलब इसका व्हील में बकेट है, ठीक है, वो काटते हुए कोल को ट्रांसपोर्ट भी करता है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर काफ़ी महंगा भी है, इसका दो पिक्चर है, यू मे टेक अल्टरनेटिवली इमेजेस फॉर सिक्योरिंग इट। बकेट व्हील एक्सकेवेटर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का बकेट की तरह बकेट नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोल का। बकेट व्हील एक्सकेवेटर है, बोल रहा है बकेट व्हील एक्सकेवेटर इट इज़ द मैन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट ऑफ लिग्नाइट माइंस, ठीक है, ये मैन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट है किसका ना, बकेट व्हील एक्सकेवेटर लिग्नाइट माइंस का, ठीक है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ठीक है, नेवेली लिग्नाइट माइंस में हम लोग बकेट व्हील एक्सकेवेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
बोल रहा है बकेट ऑफ द बी डब्ल्यू ई आर फिटेड ऑन पेरीफेरी ऑफ ए रोटेटिंग व्हील्स, ठीक है, बकेट जो है कि रोटेटिंग व्हील्स के पेरीफेरी में सेट किया जाता है, ठीक है। एज द व्हील रोटेट्स बकेट एक्सकेवेट लिग्नाइट या सॉफ्ट ओबी एंड डम्प्स इट इन टू द सेंट्रल कॉन्वेयर, सेंट्रल कॉन्वेयर में इसको डंप करता है, ठीक है, या तो लिग्नाइट या तो सॉफ्ट ओबी डंप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सकेवेटर मटेरियल्स इज लोडेड इन टू अ बेल्ट कन्वेयर, एक्सकेवेटेड मटेरियल को बेल्ट कन्वेयर पर लोड किया जाता है थ्रू अ ब्रिज कॉन्वेयर, ठीक है, ब्रिज कॉन्वेयर के हेल्प से, ठीक है, थ्रू अ ब्रिज कॉन्वेयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द रिस्पेक्टिव डंप्स वेयर ओबी इज समवॉट हार्ड, इट इज टू बी ब्लास्टेड बिफोर इट कैन बी एक्सकेवेटेड बाय बकेट व्हील एक्सकेवेटर। चूंकि ओबी हमारा हार्ड होता है तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर के एक्सकेवेशन से प्रायर हम क्या करते हैं, ओबीट को ब्लास्टेड करते हैं, ठीक है, कोल को इजीली हैंडल कर सकता है ये। सेफ्टी ऑफ ओबी डंप्स, ओवरबर्डन डंप में क्या क्या सेफ्टी फीचर सामने आता है, तो बोल रहा है कि डंप शैल बी फॉर्म्ड ऑन द स्टेबल ग्राउंड, ठीक है, स्टेबल ग्राउंड में हम लोग डंप फॉर्म करते हैं। इसका कारण क्या है कि इफ द फ्लोर इज स्लीपरी, ठीक है, इट शैल बी रब्ड बाय अ ब्लास्टिंग और रिपिंग इनटू अ डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 meter, ठीक है, मतलब हमारा पेरीफेरी में किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए, स्लीपरी नहीं होना चाहिए, उसको रिपर से रिपिंग करके कितना ना 1 to 1.5 meter तक रिपिंग करके उसमें हम लोग ओबी को डंप करते हैं, ठीक है, और स्टेबल ग्राउंड भी होना चाहिए, ठीक है। टॉप सॉयल एंड स्लैज शैल नॉट बी डंप्ड एट द फ्लोर, टॉप सॉयल एंड स्लज शैल नॉट बी डंप्ड एट द फ्लोर, ठीक है, टॉप सॉयल एंड ओबी शैल बी डिटरमाइंड by natural angle of repose, slope of OB, where a slope of OB shall be determined by natural angle of repose, but it shall not be exceed 37.5 degree from the horizontal, जहाँ पे angle of repose 37.5 degree से अधिक exceed नहीं करेगा, ठीक है, 37.5 degree से अधिक angle of repose exceed नहीं करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि top soil को हम लोग bottom पे नहीं देंगे, ठीक है। Dump shall not be retained by artificial means at an angle in excess of its natural angle of repose, ठीक है, बोल रहा है dump shall not be retained by artificial means at an angle in excess of its natural angle of repose. साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें ड्रैग लाइन का पिक्चर एक आ गया है, तो इसको देख सकते हैं ड्रैग लाइन फिर से पुनः रिविजन करने के लिए। बोल रहा है डंप हाइट एंड स्लोप शैल बी डिजाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस, इफ डंप हाइट इज मोर देन 30 meter, डंप हाइट यदि हमारा 30 meter से यदि अधिक होता है तो बोल रहा है इट शैल बी बेंच्ड एंड इफ द बेंच हाइट शैल नॉट एक्सीड 30 meter, तो बोल रहा है यदि बेंच हाइट हमारा डंप हाइट यदि हमको अच्छे से स्लोप करके रखा जाएगा, ठीक है, इफ डंप हाइट इज मोर देन 30 meter इट शैल बी बेंच्ड एंड द बेंच हाइट शैल नॉट एक्सीड 30 meter, तो उसको बेंच किया जाएगा। यदि 30 meter से अधिक यदि हमारा हाइट डंप हाइट बढ़ रहा है, डंपिंग का हाइट 30 meter से अधिक बढ़ रहा है, तो उस केस में हम उसको बेंच बना देंगे, ठीक है, और जिसमें से हमारा एंगल भी फिक्स किया रहेगा, जिसमें 37.5 degree से अधिक बेंच का एंगल एक्सीड नहीं करेगा। विड्थ ऑफ द बेंच शैल नॉट बी लेस देन इट्स हाइट, और उसका चौड़ाई जो है ऊंचाई से कम नहीं होगा, ठीक है। टॉय ऑफ द बेंच शैल नॉट बी परमिटेड टू द अप्रोच रेलवे और रोड्स और पब्लिक वर्क्स और बिल्डिंग क्लोजर देन अ डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द डंप हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे बन सकता है, बोल रहा है कि टॉय ऑफ द बेंच, ठीक है, बेंच का जो टॉय होता है, टॉय ऑफ द बेंच शैल नॉट बी परमिटेड टू अप्रोच, ठीक है, बेंच का टॉय जो है कि रेलवे रोड्स पब्लिक वर्क्स या बिल्डिंग से मैंने कितना ना डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द डंप हाइट, मतलब डंप का जो हाइट है उसके दोगुने से कम नहीं होना चाहिए टॉय का डिस्टेंस किससे ना, रेलवे पब्लिक रोड से या बिल्डिंग से, ठीक है। डंप एरिया शैल बी सब्सटेंशियली फेंस्ड, डंप एरिया को फेंस करके रखा जाएगा किस लिए ना, टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट एंट्री ऑफ एनी पर्सन टू द डंप, ठीक है। इसके बाद बोला इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ओबी डंप, ठीक। Dump shall be inspected periodically, special care shall be taken during and after heavy rains. Dump shall not be formed directly below or near any overhead lines. मतलब यहाँ क्वेश्चन बोल सकता है कि डंप जो है कि बिलो या नियर ओवरहेड लाइंस में हम लोग डंप को फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड फायर इन कार्बोनेशियस सेल एंड कोल्ड डंप अलॉन्ग विद द ओवरबर्डन रॉक।
अब यहाँ पे ओपन पिट बेंच टेक्नोलॉजी है, तो ओपन पिट बेंच टेक्नोलॉजी में क्या क्या है ना, सरफेस देख रहे हैं ठीक है, स्लोप वाल एंगल है, बेंच हाइट है ठीक है, बर्म दिया गया है ठीक है, सरफेस क्रेस्ट किसको कहते हैं, टोय जैसे हम लोग बोलते हैं कि बेंच में जो छूटा हुआ पार्ट होता है उसको टोय कहते हैं ठीक है। फिर हॉल रोड जो है, हॉल रोड के बाद विंडो या विंड्रॉ या तो एम्बैंकमेंट जिसको बोल सकते हैं, बाटर जो है कि पीट फ्लोर से जस्ट जो होता है उसको बाटर बोलते हैं, ओवर बॉडी तो देख ही रहे हैं ठीक ना, स्लोप वाल एंगल भी है ठीक है, सब चीज़ इस पिक्चर में क्लियर किया गया है ओपन कास्ट में, जो जो चीज़ें आती है ठीक है, पहले सरफेस, फिर क्रेस्ट आता है, फिर टोय आता है, फिर हॉल रोड आता है, हॉल रोड के बाद जो है कि हॉल रोड माने जहाँ पे वर्किंग हो रहा है उस बेंच में हॉल रोड दिया जाता है, उसके ऊपर वाले बेंच वो जो वो काटना है या तो वर्क करना है। फिर बाटर है, विंड्रो है, बेंच हाइट है ठीक है, बेंच हाइट सरफेस से अगला सरफेस के हाइट को इक्विवेलेंट हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग डंपिंग, डंपिंग एरिया शैल बी प्रोवाइडेड विथ ए बर्म ऑफ हाइट 1 मीटर और हाफ द डंपर विल डायर ठीक है। हम लोग डंपिंग के केस में क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, तो बोल रहा है ना कि बर्म का जो हाइट है 1 मीटर या तो डंपर के व्हील के डाया का 0.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, दोनों में से जो हो अधिक उतना ही लेंगे ठीक है। डंपिंग एरिया का जो बर्म हाइट होगा 1 मीटर या तो हमारा डंपर का जो व्हील डाया है उसकी आधा या तो रेडियस के इक्वल ठीक है, 1 मीटर या तो डंपर का रेडियस, डंपर के व्हील का रेडियस के बराबर, दोनों में से जो अधिक है उसको लेंगे ठीक है। नॉन डंपिंग एरिया और अनस्टेबल एरिया शैल बी डीमार्केटेड बाय डंपिंग मटेरियल टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर ठीक है। नॉन डंपिंग एरिया जहाँ पे है उसको या तो अनस्टेबल एरिया जो है कि उसको डीमार्क किया जाएगा, डीमार्केटेड किया जाएगा मैंने उसको खाली किया जाएगा, और डंपिंग मटेरियल को हम लोग 2 मीटर ऊंचाई तक भरेंगे ठीक है। डंपिंग शैल बी स्लोप्ड इफ देयर आर क्रैक साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, डंपिंग एरिया